हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल समीम में। और आज का अपने वीडियो का टॉपिक है मैसेज सेंडिंग फेल। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें, इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम सबको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना मैसेंजर ओपन करके। देखो यहाँ से मैसेंजर ओपन किया और ये देखो मैंने ये चैट की थी कल, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लिखा आया था, ये वाला इंटरफेस। देखो मैसेज कुड नॉट बी सेंड, टैप योर फॉर डिटेल्स। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। इधर से हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो इसमें हमें अपनी फेसबुक आईडी को ओपन करना है। इसमें पहले हमें सबसे पहले लिखना है facebook.com और यहाँ से इसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है और मेरी आईडी इसमें ओपन है। तो अगर आपकी आईडी ओपन नहीं है तो आप इसमें लॉग आउट करके अपनी आईडी को ओपन कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर ये थ्री लाइन पे क्लिक करके इधर से सबसे नीचे हमें आना है और नीचे चलते हैं थोड़ा नीचे। देखो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। देखो जो ये आ रहा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट ए प्रोडक्ट, इसमें आपको सिलेक्ट करना है। इसमें मतलब आपको बताना है कि किस चीज़ से आपको परेशानी आ रही है। तो इसमें हम यहाँ से नीचे चल के मैसेज फॉर चैट इसको क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि मैसेज करने में हमें दिक्कत आ रही है। तो इसमें लिखना भी पड़ता है हमें मैसेजेस सेंडिंग फेल्ड। तो ये हमने अपनी परेशान लिख रहा है, इसमें और लिख दे थोड़ा ऑन मैसेंजर। मैसेंजर पे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको लिखने के बाद थोड़ा नीचे ये चूज फाइल को सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रॉब्लम आई है, जो मैसेज आया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें इमेज को ऐड कर सकते हो। हालांकि मैंने नहीं लिया है, मैंने आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। इसको यहाँ से फिर सबमिट कर देंगे। उसके बाद सबमिट कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया है अपना सबमिट। और इसके बाद ये लिखा दिखा रहा है कि मतलब ये एक 24 यह हमारी जो हमने रिपोर्ट की है इसके लिए ये अप्रूव हो चुकी है और एक से एक दिन 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।